तलोजा। अच्छा आज पूछ लिया कि कोई ट्रैवल करके आया तो तलोजा अलग हो गया, वरना इनके गांव वाले पूछते होंगे ना कहाँ रहते, हम बंबई रहते हैं। ये कोकनी लोग बनाते सबको। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी अक्सर विवादों से घिरे रहते हैं। एक बार फिर से वे कोंकणी समुदाय पर विवादित टिप्पणी करने को लेकर विवादों में आ गए। दरअसल उन्होंने अपने एक शो के दौरान कोंकणी समुदाय के लोगों पर विवादित टिप्पणी की थी। जब उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने बवाल काट दिया। सोशल मीडिया पर लोगों ने कमेंट कर उनके इस टिप्पणी को लेकर उनकी आलोचना करनी शुरू कर दी। साथ ही उनके विरोध में कोंकणी समुदाय से लेकर भारतीय जनता पार्टी और अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता भी उतर गए और उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन को चेतावनी देते हुए उनके बयान को लेकर उन्हें माफी मांगने को कहा। जिसके बाद स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने एक वीडियो जारी करते हुए माफी मांग ली है। सो हाय दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ क्लियर करने आया था, एक्सप्लेन करने भी आया था। और एक कुछ वक्त पहले एक शो हुआ था और जिसमें जोक भी नहीं कहेंगे, क्राउड वर्क हो रहा था, ऑडियंस से इंटरेक्शन हो रहा था एंड उसके चलते कोकन के बारे में कुछ बात निकली और मुझे पता था कि तलोजा में बहुत कोकनी लोग रहते बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। लेकिन उसको थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गया है वो चीज़ लोगों के लिए, कि उनको लगता है कि मैंने कोकन के बारे में कुछ बुरा बोला है, कि मैंने कोकन का मजाक उड़ाया है। तो नहीं दोस्तों, मेरा इंटेंशन बिल्कुल वो नहीं है। मैं अभी भी वही कहना चाहूँगा कि मेरा जो वो इम्प्रोव था, वो क्राउड वर्क था, उसमें कॉन्वर्जेशन में ही वो चीज़ मेरे मुंह से निकली। लेकिन मैंने अभी देखा कि कुछ लोग हर्ट हो रहा है और मैं एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन और जो मेरा काम है हंसाने का, मैं नहीं चाहता कोई भी हर्ट हो और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि कोई किसी भी एंगल से हर्ट हो। तो मैं तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि सॉरी आपको जिसको भी हर्ट हुआ है। मैंने जिस पे जोक किया था वो लोग ने भी बहुत इन्जॉय किया था और शो पे भी बहुत सारे सब लोग थे, मराठी लोग थे, मुस्लिम लोग थे, हिंदू लोग थे, सब लोग थे। बट अब इंटरनेट पे जब इस तरह की चीज़ आती है और ऐसी चीज़ हमारे सामने आती है तो पता चलता है। तो अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। मैं आप सबसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।